इस समर रोमन रेंस को मिल सकता है एक रिटर्निंग सुपरस्टार से बड़ा झटका। सोलो सिकोवा ने कहा खून अंदर या फिर बाहर, और जाने के क्या कुछ होगा बड़ा कल स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज के वीडियो दोस्तों काफी इंटरटेनिंग होने वाली है, जिसके हम सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू की, और उसके बाद जाएंगे दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन की। कल स्मैकडाउन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों सुबह सवेरे आएगी सोनी नेटवर्क के चैनल्स के ऊपर। इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने भर भर के सेगमेंट कंफर्म किए, और ऐसा बहुत कम होता है कि डब्ल्यू वाले 4 से 5 सेगमेंट कंफर्म कर दे। जहां पहला सेगमेंट जो कि 100% कंफर्म्ड है, हम लोगों को देखने को मिलेगा शार्लेट फ्लेयर और ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। तो ग्रेसन वॉलर जो कि दोस्तों हमारे न्यू कमर सुपरस्टार जो कि स्मैकडाउन में अभी भी आए हैं, उन्हें दोस्तों हम लगातार देख रहे हैं कि शोज हो ही जा रहे हैं, वो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट लेकर दोस्तों इस बारी आने वाले। लेकिन गेस्ट काफी तगड़ी है, शार्लेट फ्लेयर जो कि लास्ट वीक रिटर्न की थी, इस हफ्ते दोस्तों हम लोगों को फिर से देखने को मिलेगी। शार्लेट फ्लेयर ने दोस्तों इस वक्त आस्का के ऊपर फोकस कर रखा है कि उन्हें उनकी चैंपियनशिप चाहिए, WWE वुमेन्स चैंपियनशिप चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों कल उनसे काफी तीखे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो हमारी शार्लेट फ्लेयर है वो काफी कैपेबल भी है, और साथ साथ उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर ग्रेसन वॉलर ने कुछ ऊपर नीचे किया तो वहां ग्रेसन वॉलर को बिग बूट भी पड़ सकता है उनकी तरफ से। देखना होगा ये किसके अंदर आस्का का क्या रोल रहता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो दोस्तों काफी बड़ा मैच है, लिटरली दोस्तों आपको मेन इवेंट में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इसे शुरू में रखा जाएगा। यह दोस्तों एक गॉन्टलेट मैच। गॉन्टलेट मैच के रूल्स दोस्तों आप लोगों को पता है, एक टीम की पिन होती है, दूसरी टीम आती है। ऐसे में दोस्तों ये जो मैच रखा गया है ये इन 4-5 टीमों के बीच में रखा गया है। इसके अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट वाले भी है, LWO भी है, प्रिटी डेडली के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपको शेमस एंड OC भी देखने को मिलेगी। तो शेमस की टीम दोस्तों मेरे हिसाब से इसके अंदर काफ़ी तगड़ी रहने वाली है, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट के भी जीतने के काफ़ी हैवी चांसेस है। तो देखते हैं दोस्तों इस गॉन्टलेट में कौन जीतता है और कौन बनता है नंबर 1 कंटेंडर फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी दोस्तों हमारे अपने AJ स्टाइल्स का मैच। AJ स्टाइल्स एंड मिया यिम मिलकर फेस करने वाली है स्कारलेट एंड केरियन क्रॉस की जोड़ी को। स्कारलेट बहुत कम फाइट देती है, तो ऐसे में दोस्तों अपने आप में काफ़ी बड़ा मैच ये है। और गाइस बात करूँ इस मैच के रिजल्ट की, मेरे हिसाब से इसके अंदर AJ स्टाइल्स एंड मिया यिम जीत सकते हैं। अगर दोस्तों राइवलरी ज़्यादा लंबी जाने वाली है तो गाइज इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। बात कर लिया जाए दोस्तों अब अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइज सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की फ्राइडे स्मैकडाउन का रहेगा, वो रहेगा दोस्तों वुमेन्स का मैच, जहां ज़ेलिना वेगा फेस करने वाली इयो स्काई को। इयो स्काई का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि सबसे बड़ी ऑड चल रहा है दोस्तों, वो मिस मनी इन द बैंक बन सकती है इस वर्ष की। और ऐसे में दोस्तों यहाँ मेरे हिसाब से मोमेंटम गेन भी करेगी और गाइज इस मैच में जीतेगी भी। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रहने वाला है, वो है गाइस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न। रोमन रेंस रिटर्न करने वाले हैं, और कल दोस्तों जे उसो को अपना डिसीजन भी सुनाना है। रोमन रेंस आएंगे, सबसे पहले तो दोस्तों ये चीज देखने को मिलेगी कि गोल्डन चैंपियनशिप उनके कंधे पर है, ट्राइबल चीफ की एंट्री हो रही है, और गाइस फिर उसके बाद माइक पकड़कर वो सिटी को अक्नॉलेज करने को कहेंगे और कॉल्ड आउट करेंगे अपने भाई यानी कि जे उसो को। इस दौरान दोस्तों हो सकता है कि जिमी उसो रैंप के ऊपर आकर खड़े हो जाए, और जे उसो के पास दोस्तों ऑप्शंस हो दो, कि या तो अपने भाई जिमी उसो के पास चले जाए या फिर रोमन रेंस का दामन पकड़ ले। यहाँ दोस्तों डिसीजन कल के कल पता चलेगा। और इसी बीच सोलो सिकोवा ने कर दिया एक तगड़े वाला ट्वीट, उन्होंने ये चीज़ लिखी है ब्लड इन और ब्लड आउट। इसका मतलब यह है कि या तो जो ब्लड यानी कि जे उसो या तो अंदर आएगा टीम में या फिर बाहर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस ने भी जे उसो को धमकी दे दी है, क्या चीज लिखे हैं, योर ट्राइबल चीफ विल बी रनिंग द शो टुमारो नाइट इन लेक्सिंगटन एंड वी गॉट सम फैमिली बिजनेस टू हैंडल, स्टे ट्यून्ड। तो यहां दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया कल की स्मैकडाउन के अंदर वो आएंगे ही आएंगे, और यहां दोस्तों जो चीज हो सकती है वो ये कि गाइज जे उसो चूज कर ले जिमी को, जिसके बाद दोस्तों ये दोनों उन पर अटैक कर दे, या तो दोस्तों उसोस गंदा तोड़ेंगे या फिर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा डिस्ट्रॉय करने वाले हैं इन दोनों को। तो बहुत ज्यादा दोस्तों आपको कल फैमिली वॉरफेयर देखने को मिलेगा, और गाइज फैमिली में प्रॉपर तरीके से दोस्तों आप लोगों को दरार पड़ते हुए नजर आएगी। अब देखते हैं दोस्तों जे का क्या डिसीजन रहता है, क्या वो रोमन रेंस के आकर पास खड़े हो जाते हैं या फिर दोस्तों कुछ और होता है।
बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी खबरों की। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़ी है कार लेटो से। तो गाइस काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, काफी बड़ी और काफी बढ़िया ये अपडेट है। दरअसल दोस्तों कार लेटो ने WWE को साइन कर लिया है, अभी के लिए दोस्तों ये रूमर बताया जा रहा है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों कार लेटो जो है इंडिपेंडेंट सर्कल में फाइट देते हैं, और ऐसे में दोस्तों वो बड़ी कंपनीज के साथ साइंड नहीं थे, लेकिन गाइज हाल फिलहाल में एक इंडिपेंडेंट कंपनी ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया कि आपको रेसल करना है इस छोटे से शो में। कार लेटो ने मना कर दिया, उन्होंने ये चीज़ कही है कि वो WWE के साथ साइन है और ऐसे में वो छोटी प्रमोशनल कंपनीज में नहीं दिखाई दे सकते हैं। और तब से लेकर अभी तक दोस्तों ट्विटर पर अंबार आ चुका है ट्वीट्स का, कार लेटो इज बैक। एंड गाइज इसी से जुड़ी हुई है आज की हमारी सेकंड न्यूज, गाइज समर स्लैम बड़ा होने वाला है। बताया जा रहा दोस्तों समर स्लैम को WWE वाले रेसलमीनिया के लेवल का बढ़ाने वाले हैं, और गाइज रेसलमीनिया से भी ये बड़ा हो सकता है। दरअसल दोस्तों इस साल के समर स्लैम में हमें ब्रॉक लेसनर, बैड बनी, लोगन पॉल के साथ साथ कार लेटो देखने को मिलेंगे। इवन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एक और बंदा रूमर्ड है जो कि आगे मैं उसका नाम ड्रॉप करूंगा, लेकिन ये सारे के सारे सुपर स्टार्स दोस्तों अगर समर स्लैम में आ रहे हैं तो समर स्लैम अपने आप में काफी ह्यूज हो रहा है। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वह जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ब्रे वायट के रिटर्न से। वाइज ब्रे वायट का होने वाला है रिटर्न समर स्लैम से पहले, एंड ये कंफर्म हो गया है। इस वक्त दोस्तों ब्रे वायट के रिटर्न को WWE वालों ने हरी झंडी दे दी है, और गाइज क्वेश्चन बस यही है कि क्या उनके टीजर ड्रॉप किए जाए या फिर उनका रिटर्न डायरेक्ट करवाया जाए। यहाँ दोस्तों इसमें अच्छी चीज क्या निकल रही है कि मे बी फील्ड के रूप में वो लौटे, क्योंकि 2K23 में अब फील्ड आ चुका है, फील्ड ऐड हो चुका है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रे वायट का एक कैरेक्टर जो कि काफी ज्यादा मशहूर, काफी ज्यादा भयावह था, ये लौटने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों ब्रे वायट का रिटर्न किस तरीके से WWE वाले कराते हैं, क्या कोई टीजर वीजर गिराते हैं या फिर डायरेक्ट करवाते हैं। लेकिन हाँ रिटर्न समर स्लैम से पहले होगा, इट्स कन्फर्म्ड। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मनी इन द बैंक के शॉक की। गाइस कल एक न्यूज ब्रोक हुई थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि मनी इन द बैंक के अंदर एक बड़ा शॉक हो सकता है, कोई बंदा रिटर्न कर सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप सब लोग आश्चर्यचकित हो जाए। तो गाइज इसमें एक नाम काफी ज्यादा उछल रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्रू मैकइंटायर दोस्तों हो सकते हैं मनी इन द बैंक का पार्ट। दरअसल दोस्तों ड्रू मैकइंटायर पर रिज हॉलैंड जो कि आप जानते हैं कि बैंगर ग्रुप का हिस्सा है, यानी कि दोस्तों हमारे अपने शेमस के ग्रुप का हिस्सा, उन्होंने चीज कही है कि मैं नहीं जानता कि ड्रू कब आ रहा है, लेकिन ड्रू मेरा काफी अच्छा दोस्त है और मेरे हिसाब से वो एक दो महीने में WWE के अंदर होगा। तो 2 से 3 महीने में WWE के अंदर होगा, यानी कि दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं ईस्टर एग गिरा दिया है कि मनी इन द बैंक में जिस बंदे का नाम उछल रहा है ना, कोई और नहीं ड्रू मैकइंटायर हो सकते, क्योंकि मनी इन द बैंक होने वाला है लंदन में जो कि दोस्तों उनका होम कंट्री है। तो देखते हैं दोस्तों वहां ड्रू मैकइंटायर दिखाई देते हैं या फिर नहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब उस बंदे की जिसका रिटर्न मैंने हाल फिलहाल में टीज किया है, जॉन सीना का दोस्तों समर स्लैम में रिटर्न हो सकता है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आप सोचेंगे आज तो रिटर्न्स की लिटरली गौरव भाई बारिश कर रहे हैं, तो खबर ही ऐसी है। दरअसल जॉन सीना पर क्या अपडेट है, जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल समर स्लैम में रखा जा सकता है। लोगन पॉल के पास कोई भी ओपोनेंट नहीं है, और जॉन सीना ने दोस्तों एक इंटरव्यू में साफ किया था कि वो फेस करना चाहते हैं लोगन पॉल को। लोगन पॉल भी दोस्तों काफी बड़ी सेलिब्रिटी है, और जॉन सीना तो आप जानते हैं काफी बड़ा नाम है, तो ऐसे में दोस्तों वो लोगन पॉल को कहीं ना कहीं पुश करना चाहते हैं मेन रोस्टर में दोस्तों, उन्हें बढ़िया दिखाना चाहते हैं, और जॉन सीना दोस्तों उन्हें फेस करने की बात भी किए हैं। और यहां बताया जा रहा है कि अभी के लिए कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ इस पर काफी विचार किया जा रहा है। लोगन पॉल को दोस्तों अगर ओपोनेंट नहीं मिलता है तो गाइज लेजेंड को वापस बुलाया जाएगा, 16-time वर्ल्ड चैंपियन दोस्तों आपको फिर से कंपनी में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सही लास्ट न्यूज की। सही लास्ट न्यूज जो आज के मैच जुड़े हैं वो जुड़े हैं ब्रॉक लेसनर के कंफर्म रिटर्न से। तो फिर से दोस्तों रिटर्न की न्यूज है। दरअसल दोस्तों ब्रॉक लेसनर जो है 3 जुलाई के लिए कंफर्म हो चुके हैं, वेबसाइट के ऊपर दोस्तों इन्हें अब शो किया जा रहा है, और ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं मनी इन द बैंक का भी पार्ट, जो कि न्यूज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि मनी इन द बैंक में अगर कोडी का मैच है तो कोडी डोमिनिक के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोस्तों डोमिनिक को तो आसानी से हरा देंगे, लेकिन अगर कुछ इसमें ट्विस्ट लाना है, कुछ ऊपर नीचे करना है और डोमिनिक को बड़ा हील बनाना है, तो लेसनर की वहां जरूरत पड़ सकती है। हु नोज डोमिनिक जीत जाए थैंक्स टू बीस्ट। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। वाइज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन के रिटर्न से। तो इस वक्त दोस्तों फैंस जिस बंदे का रिटर्न देखना चाहते हैं और जिसका रिटर्न दोस्तों अपने आप में काफी ह्यूज होगा कंपनी के लिए, वो है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। दरअसल दोस्तों रैंडी ऑर्टन पर मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्टन जो है
रेडी टू रिटर्न है, लेकिन अभी वो थोड़ा वेट लेने वाले हैं क्योंकि गाइज उनकी बैक अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें पेन दे रही है। ऐसे में दोस्तों इस साल के अंत से पहले पहले वो रिटर्न कर देंगे। और इस बीच दोस्तों उनकी एक पिक्चर जो है काफ़ी वायरल हो रही है, और गाइज इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो ऑर्टन ने दोस्तों शायद से अपनी पत्नी का पैर दबा रखा है। और गाइज एक बारी बाइसेप पर आप फोकस कीजिएगा, लिटरली दोस्तों रेडी टू रिटर्न है, बिल्कुल बड़े डोले और आंखों में दोस्तों वही वाइपर वाली बात है। ऑटम दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपको दो या फिर दोस्तों एक महीने के अंदर अंदर रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं रैंडी ऑटन के। दोस्तों अब समर स्लैम के चांसेस काफी हैवी हो चुके हैं, हम देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, रैंडी ऑटन तस्वीर में काफी खतरनाक लग रहे हैं। वीडियो आज कितनी थी, तो रैंडी ऑटन को आकर किसे फेस करना चाहिए, क्या उन्हें रोमन रेंस पर अटैक करना चाहिए, सवाल रहेगा। और इसका जवाब जरूर दीजिएगा हाँ या फिर ना में। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबक है।